तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बना के बताया जिसमें मैंने बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी A52S में एक नया अपडेट आया है। आज मैं आपको उसका रिव्यू करके बताने वाला हूँ, इस अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर मुझे जो लगता है कि इस अपडेट के बाद ये सैमसंग A52S में हुआ है। तो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैंने कल वीडियो बनाया था, इसमें सैमसंग A52S का नए अपडेट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, चाहे आप दे सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, उस अपडेट के बाद क्या आपके अपने मोबाइल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूं पहले मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट में, और यहां पर आप जाएंगे लास्ट अपडेट वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लास्ट सक्सेसफुली अपडेट जो कि करा था 28 अप्रैल 2022 में, जो कि 7:32, मतलब कल आज के दिन मैंने उसको अपडेट करा था। और यहां पर उन्होंने लिखा है कि कुछ डिवाइस की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया है, कुछ बग्स को फिक्स किया गया था, और कुछ एनहांस नए फीचर को जोड़ा गया था, जैसे कि हर उसमें होता है। बट दोस्तों, मैंने इसको यूज करा आज पूरा दिन, इसको पूरा यूज करके देखा, तो दोस्तों मुझे वहां पर कोई नए फीचर तो नहीं लगे, बट मुझे एक चीज यहां पर लगी है कि उसको यहां पर इंप्रूव किया गया है, या फिर बोल सकते हैं उसको बग्स को फिक्स किया गया है। जो इससे पहले वाला जो अपडेट था, जो कि 4.1 पे आया था, सैमसंग A52S UI 4.1 का अपडेट आया था, उसके बाद हुक किया गया था, मोबाइल लैग कर रहा था, या फिर बोल सकते हैं मोबाइल थोड़ा स्लो चल रहा था। बट इस अपडेट के बाद मुझे वो चीज तो लगा कि वो चीज वहां पर कम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अब मेरा मोबाइल यहां पर कितना इजीली यहां पर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, अगर मैं कोई ऐप खोल भी लूं और यहां से मैं अगर स्विच मारूंगा तो बहुत इजीली यहां पर आप चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत इजीली यहां पर यह वर्क कर रहा है। पहले इतनी तेज ये वर्क नहीं करता था, अब जितनी तेज ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जो बग फिक्स लगा, या बोल सकते हैं जो मुझे बग फिक्स लगा, वो ये लगा। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड जो बग था, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि मुझे जो बग लगा था वो ये था कि बैटरी ड्रेन का, पर बैटरी ड्रेन वाला तो अभी भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैंने अभी रिसेंटली, अभी मतलब एक आध घंटे पहले यहां पर इसको चार्ज करा था, और आप देख सकते हैं अभी यह 64 में आ गया, मतलब कि बैटरी ड्रेन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट था बहुत ही छोटा था, 200-200 MB का ही अपडेट था, तो मोस्टली उसमें खाली सिक्योरिटी अपडेट ही किया था। बट ये वाला जो बग है, जो कि मैं बता रहा हूं लैग वाला, या बोल सकते हैं जो मोबाइल हैंगिंग वाला, वो तो यहां पर 100% सॉल्व कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, अगर मान लो मैं यहां पर आ गया हूं, अगर मैं कोई सी भी यहां पर लाइक मैं इधर आ गया फोटोज पे, तो आप देखेंगे कितनी तेजी यहां पर बग कर रहा है। तो ये मतलब कितनी तेजी ये वर्क कर रहा है। तो ये वाला यहां पर तो बग को फिक्स 100% किया गया है, जो कि मुझे लगता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ नए फीचर्स बताए हैं, या फिर नए फीचर को यहां पर एड ऑन किया गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमेंट तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू।